अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कुरम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान 40 साल बाद भारत से वर्ल्ड कप के किसी मैच में जीत गया है और बाबर 11 ने कोहली 11 को जो है वो धूल चटा दी है दुबई के मैदान में। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, शुरू से ही जो है वो पाकिस्तान की गिरफ्त जो है काफ़ी मजबूत नजर आ रही थी मैच पर। शाहीन शाह अफरीदी जो तुरप का पत्ता कहा जा रहा था उनको, वो वाकई तुरप का पत्ता साबित हुए और उन्होंने जो बॉलिंग की है वो उनके कैरियर की शानदार बॉलिंग जो है वो समझी जा रही है। उन्होंने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं भारतीय टीम के लिए, उनको LBW किया, जिसके बाद उन्होंने दूसरे जो ओपनर थे उनको भी क्लीन बोल्ड किया। शाहीन शाह अफरीदी ने भारतीय जो बैट्समैन थे उन्हें नपी तुली ऐसी बॉलिंग कराई कि उन्हें खेलने का मौका ही नहीं दिया, जिसके बाद भारत की टीम जो है वक्तन फक्तन विकटें गिराती रही, अपनी गंवाती रही और 151 का जो है उन्होंने स्कोर किया और 152 रन जो है पाकिस्तान को जीत के लिए हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ओपन किया, वो ओपनिंग बैट्समैन थे और पाकिस्तान ने तारीख में जो है वो एक नई तारीख रकम की। 10 विकेटों से भारत को शिकस्त दी। मोहम्मद रिजवान ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 79 रन जो है वो स्कोर किए। उनके साथ बाबर आजम का जो इंतजाज था, उनका साथ रहा वो बड़ा बेहतरीन था। भारतीय बॉलर्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ बॉल कराएं। ये तो हुई गेंद ग्राउंड की बातें, जो ग्राउंड के अंदर खेल पाकिस्तान और भारत की जानिब से पेश किया गया, लेकिन ग्राउंड से बाहर जो शायकीन की जानिब से अगर हम बात करें, जो शायकीन ने दोनों टीमों के जो क्रिकेट शायकीन थे, लवर्स थे, उनकी जानिब से अपनी अपनी टीम को सपोर्ट किया जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान की फतह के बाद जो जश्न पाकिस्तान में मनाया गया वो काबिले दीद था। सोशल मीडिया पर कोई 7 से 8 ट्रेंड जो है वो सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर, और मीम्स भी बनाई जा रही हैं मैच खत्म होने के बाद। जो एक अच्छा हमें मुजाहरा देखने को मिला वो भारतीय कप्तान विराट कोहली की जानिब से था, जिन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मुबारकबाद दी, बल्कि मोहम्मद रिजवान को उन्होंने प्यार से सर पर हाथ भी फेरा और उन्हें गले भी लगाया। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं भारतीय मीडिया की, तो भारतीय मीडिया एक बार फिर जो है अपने बेकार दावों की वजह से रुसवा हुआ है। इतने जो गरूर था और इतने जो दावे थे उनके, बार बार वो जो हर मैच में पाकिस्तान और भारत के करते हैं, इस दफा भी उन्होंने वही किया। खास तौर पर वो मौका मौका का एक जो उनका वो गाना है उसको उन्होंने उठाकर बहुत दफा प्ले किया और पाकिस्तान का मजाक भी काफी उड़ाया। तो मीडिया आखिर खेल को, खेल में सियासत को क्यों लेकर आता है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मोहम्मद जरीफ, उनसे भी कि जरीफ खेल को खेल रहने देना चाहिए, ये सियासत और ये मीडिया ये किस तरफ लेकर जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया खेलें आपस में, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के खेलने से दोनों मुल्कों की आवाम का जो रिश्ता है वो काफी मजबूत होता है। जैसा हमने देखा खिलाड़ी भी जो है वो अपना स्पोर्ट्समैनशिप जो है उन्होंने दिखाया पूरी तरह, तो मीडिया का किरदार आप क्या समझते हैं, क्यों मीडिया ऐसा करता है? देखिए, मीडिया का किरदार के हवाले से आपने बात की तो खुर्रम, हमें एक चीज को समझना होगा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब मैच होता है, ये दो टीमों के दरमियान एक मैच होता है और इसको सबसे ज्यादा जो हाइप है वो मीडिया पे इसलिए दी जाती है। आपको पता है कि तमाम ये कमर्शियल का गेम है, जब मैच को बहुत ज्यादा जो हाइप दी जाती है, बड़े बड़े इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में, क्योंकि हमेशा से ही वहां पर एक RSS की एक सोच पाई जाती है कि वो पाकिस्तान के हमेशा से खिलाफ है, तो वो उनका जो मीडिया चैनल है जाहिर है वो इस किस्म की बातें करते हैं जो दुश्मनी पे मबनी होती है। दुश्मन को हमने जो है वो उनको धूल चटा दी, दुश्मन को हरा दिया और इस तरह की बातें की जाती हैं, मौका मौका का जो गाना है इस किस्म की बातें की जाती हैं, तो जाहिर है फिर आपको पता है हमेशा से जो शायकीन है या जो आम आवाम है उनकी जो नफ्सियात है कि आप किसी के खिलाफ बात करेंगे तो उसे ज्यादा देखा जाएगा। तो ये सारी कमर्शियल और कमर्शलाइजेशन की बातें सारी उस चक्कर में मीडिया हाइप देता है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। दो मुल्क हैं और जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया, हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ये पड़ोसी हैं, इनके दरमियान मैं तो चाहता हूं कि इनके दरमियान जो है कभी भी हमेशा अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। आज अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात ना होने की वजह से हमारी एक बड़ी आबादी जो है वो सतह गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। आज हम एटम बम की दौड़ में लगे हुए हैं, आज हम दीगर चीजों की दौड़ में लगे। ओ भाई, आपकी आवाम ने रोटी भी खाई है, आपके कितने लोग जो है उनके उनके पास जो है, यकीन माने के उनके पास छत नहीं है, सामान नहीं है,
दुनिया के जितने भी तरक्की पजीर ममालिक दे लें, एटम बम कुछ ममालिक ने जरूर बनाया, लेकिन आप देखें जापान ने कोई एटम बम नहीं बनाया, लेकिन आज उनके पास क्या है, जापान दुनिया में राज कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, चलो हमने पाकिस्तान ने बना लिया, लेकिन अब हमने या पाकिस्तान या भारत ने अपनी मईशत को आगे करना है। क्रिकेट के बाइमी मैच होते हैं, ठीक है, मैच की हद तक हम एक दूसरे के मुकाबले भी हैं, हम हरीफ भी हैं, मैच के अलावा हमारी आपस में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ये सबक पाकिस्तान के लिए भी है, ये सबक इंडिया के लिए भी है, कि वहां से ज्यादा हमने देखा कि इस किस्म की चीजों को हवा दी जाती है। तो खुदारा दोनों अपने मुल्क की आवाम पे रहम करें। कोहली का कल बहुत अच्छा मैसेज था, कोहली आके मिला और कोहली ने जब सर पे हाथ फेरा जवाबन रिजवान ने उन्हें गले लगाया, पूरी वीडियो आप देखें उसमें, और उसके बाद बाबर से भी हाथ मिलाया। भाई किस चीज की दुश्मनी है हमारी? हमारी दुश्मनी होनी चाहिए जो हम थर्ड वर्ल्ड हमें कहते हैं लोग, ये थर्ड वर्ल्ड जो है, हम गुर्बत से हमारी लड़ाई होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका, कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड नहीं है। क्यों हम क्यों थर्ड वर्ल्ड नहीं यार, हमारे पास तो दुनिया की हर नेमत है, हर चीज है। यूरोपियन मुल्क जो हमारे पास आए, यूरोप के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, कब्जा किया पाकिस्तान पे, इंडिया पे बरतानिया ने, यहाँ से हमारे वसाइल वो लोग लेकर गए, आज वो तो तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता है, हम क्यों पीछे? हमारा मुकाबला जहालत से, हमने जहालत खत्म करनी है, हमने मोहब्बत का पैगाम आगे देना है, क्रिकेट है या कुछ भी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, हमें दोनों मुल्कों ने तरक्की करनी है, तिजारत होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। आज मैं बड़े खुल के बात कर रहा हूँ, हमारे दरमियान अगर तिजारत होगी तो यकीन माने हम लोग बिल्कुल करीबी दोनों मुल्क में, इंडिया में टमाटर प्याज गल के सड़ जाते हैं, वो भाई पाकिस्तान में महंगे होते हैं, तिजारत होगी तो दोनों मुल्कों की आवाम को फायदा होगा। बहरहाल क्रिकेट का मैच बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, और हमेशा रिकॉर्ड जो है वो बनते ही टूटने के लिए, ये बड़ा मशहूर जुमला है और आप सबने देखा। तो मैच बड़ा अच्छा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोहली के उस इकदाम के बाद आप दोनों मुल्क की जो हुकूमतें हैं, दोनों मुल्क की जो मुसल्ला अफवाज है, वो इंशाल्लाह अब आपस में अच्छे ताल्लुकात को, पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा ही हाथ बढ़ाया गया, जिस तरह कोहली ने जो है वो असल में मोदी को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। जी बिल्कुल मोहम्मद जरीफ, आज बड़े अग्रेसिव हुए हैं इस मामले पर, और बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि हमारी जंग जो है वो होनी चाहिए गुर्बत के खिलाफ, हमें लड़ना चाहिए गुर्बत से, और हम दोनों मुल्क सेम जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हम एक जैसे दिखते भी हैं, तो मोहब्बत और जो भाईचारा और अमन जो है वो जब होगा तो हम दोनों मुल्कों के दरमियान, जब ये सब कुछ होगा तो हम तरक्की भी जरूर करेंगे, बॉर्डर हमारे साथ मिलते हैं बिल्कुल, और मोहब्बत की बात जब हम करेंगे, अमन की बात करेंगे, रस्ते खोलेंगे, तिजारत करेंगे, तो जरूर जो है वो तरक्की जो है दोनों मुल्कों के अंदर आएगी। भारत के अंदर भी गुर्बत जो है वो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो हमें गुर्बत से लड़ना चाहिए, ना कि जंगों की बात करनी चाहिए। अमन आएगा तो खुशहाली आएगी, और अमन के लिए जो है वो दोनों मुल्कों की जो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, उन्हें मिल बैठना चाहिए, जैसे कल हमने ग्राउंड में देखा खिलाड़ियों को आपस में मिलजुल कर हंसता हुआ, उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा जो है वो बर्ताव किया। जो साबिक भारतीय कप्तान हैं धोनी, वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं उनके साथ बातचीत करते नजर आए, बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में उनकी गुफ्तगू भी हो रही थी, सब कुछ हमने देखा। तो ऐसे ही अगर हमारे पॉलिटिशियंस में मिल बैठे तो ये गुर्बत जो है इस खत्ते से वो यकीनी तौर पर खत्म हो जाएगी, और ये लड़ाई आखिर कब तक लड़नी है, आखिर हमारी नस्लें जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारी मजीद नई नस्ल जो है वो जवान हो रही है, तो सोचना चाहिए दोनों मुल्कों की हुकूमतों को कि अब करीब आना चाहिए, चाहे वो खेल के जरिए आए या तिजारत के जरिए आए या मोहब्बत और प्यार से आए, लेकिन जरूर एक दूसरे के करीब आना चाहिए। तो खेल होता रहेगा, पाकिस्तान अभी इंडिया के साथ पहला मैच जीता है, कल न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच है, तो दुआ गो हैं हम कि पाकिस्तान ऐसी ही कारकर्दगी दोबारा दिखाए, और हम तो ये भी दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान कप भी लेकर आए, और जो इंशाल्लाह ताला ये दुआ जो है हमारी जरूर पूरी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को फीडबैक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।